लोग ये सोचते हैं कि जो फोरआर्म मसल्स होते हैं वो एक या दो मसल से बना हुआ होता है, लेकिन सच तो ये है कि फोरआर्म्स बहुत सारे मसल से बना हुआ होता है, तो उसको बड़ा करने के लिए भी बहुत सारे वर्कआउट करना पड़ता है। तो चलिए एक फोरआर्म्स बढ़िया बनाएं और अपने बॉडी को और अपने हाथ को अट्रैक्टिव लुक दें। तो बिना बात किए आते हैं सीधे वीडियो के अंदर, बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले जो वर्कआउट होगा उसमें पहले ही बताया कि बहुत सारे मसल होता है, तो पहले ऊपर की मसल को टारगेट करके इस वर्कआउट डंबल से कर सकते हो, बहुत ही आसान है। तो ये करने के लिए डंबल आपके पास नहीं है तो कुछ और भी चीज़ से कर सकते हो, 7 रेपिटेशन 3 सेट लगाना है इसका। जो दूसरा वर्कआउट वो भी बहुत आसान है, किसी भी एक डंडी को लेकर उसमें रस्सी बांध के, रस्सी के नीचे कुछ भारी बांध के इस तरह से आपको ऊपर खींचना है और धीरे से छोड़ना है, इसको बार बार करना है। ये आपको देख रहे हो नीच मसल और ऊपर की जो मसल होते हैं जो फोरआर्म्स की उसमें टारगेट करेंगे, ये भी 10 रेपिटेशन और 2 सेट लगाना है। अब आते हैं नंबर 3 की जो वर्कआउट है वो, ये तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं लग रहा है, यहीं पे खड़े होकर आप ये सब कर सकते हो। आपके हाथ नीचे लेना है और ऊपर खींचना है, ये 10 रेपिटेशन 2 सेट लगाना है। अगर आपकी क्षमता के हिसाब से आप सेट भी बढ़ा कर सकते हो। मेरा ये 3 नंबर वर्कआउट की बात, ये अगर आपके पास डंबल है तो आप सही से कर सकते हो, डंबल नहीं है तो थोड़ा आपके लिए कष्ट होगा। ये आप देख रहे हो आपकी बाइसेप्स में भी थोड़ा टारगेट करेगी और कि आर्म्स में तो टारगेट करेगा ही, 7 रेपिटेशन 3 सेट लगाना है। और ये जो वर्कआउट है ये 4th वर्कआउट, ये अगर आपके पास बारबेल नहीं है तो आप किसी डंडी को लेकर भारी जो है थोड़ा उसको लेकर कर सकते हो, 5 रेपिटेशन 3 सेट लगाना है ये आपको। और ये सब वर्कआउट आप कंटिन्यू करते हो तो कंसिस्टेंसी रख के आपकी जो फोरआर्म्स है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा और आपकी बॉडी की और आपके हाथ की एक अट्रैक्टिव लुक आ जाएगी और एक बढ़िया शेप आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।